एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 7.3 और इसके पहले हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है कि साइन स्क्वायर जो है हमारा दिया हुआ है 2x + 5 और ये dx, इसी का हमें समाकलन निकालना है बच्चों। ठीक है, इसी का हमें क्या करना है, तो समाकलन निकालना है। तो हमने बताया था कि जब हमारा साइन या कॉस पर घात सम हो तो हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज करते हैं। और आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है बच्चों 1 - cos 2x और बाई 2 होता है। ठीक है, यदि इस फॉर्मूला को यहाँ लगाया जाए तो जाहिर सी बात है पहले हम साइन स्क्वायर 2x + 5 को हम पहले, अब देखिए ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे ही स्क्वायर ख़त्म होगा बच्चों यहाँ 1 लिखेंगे और माइनस ये cos 2 × 2x और ये +5 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 - ये हो गया cos 4x और प्लस हो जाएगा 10 और बाई हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका समाकलन निकालते हैं। तो समाकलन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा sin² 2x + 5 dx बराबर ये हो जाएगा 1 - cos 4x + 10 और बाई 2 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा dx। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ सम रूल का यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा हाफ और dx और -half ये हो गया बच्चों cos 4x + 5 और ये हमारा हो जाएगा dx। क्लियर है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि जानते हैं आप लोग इसका समाकलन होता है हाफ और ये हो गया x और ये -half हो गया और इसका हो जाएगा बच्चों sin 4x + 5। और देखिए एक साथ 4 गुना है तो यहाँ 4 से भाग पड़ जाएगा और ये प्लस सी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने बताया था बेसिक क्लास में कि जब साइन पर घात सम हो या कॉस पर घात सम हो तो हम रूपांतरण विधि, है ना, रूपांतरण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे बच्चों कि हमारा अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम और अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार से बनेगा। देखिए बच्चों अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा ना बच्चों मैं उसका फॉर्मूला जो है बगल में साइड में लिख दिया करूंगा इधर। चलिए दूसरा हमारा जो प्रश्न है कहता है कि sin 3x और cos 4x और dx का समाकलन निकालना है। हम बता चुके हैं कि ये भी रूपांतरण विधि से ही बनेगा और इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो शायद आप लोगों को याद हो कि cos A (sin B) बराबर जो होता है हमारा हाफ और ये होता है sin A + B और प्लस जो होता है बच्चों sin A - B होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि sin 3x × cos 4x को तोड़ लेंगे, क्योंकि cos में कौन बड़ा है तो यहाँ पर क्या होता था कि A > हमारा क्या होता था, तो बच्चों B होता था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाफ और यहाँ sin लिखेंगे, बड़ा कोण में छोटा कोण को जोड़ देंगे 4x + 3x और उसके बाद फिर प्लस क्या करेंगे माइनस यहाँ लिखेंगे sin और बड़ा कोण में छोटा कोण को घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा हाफ और ये sin 7x और माइनस ये sin x हो जाएगा। अब हम समाकलन निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे तो समाकलन निकालेंगे। हमारा समाकलन क्या है बच्चों, तो sin 3x और cos 4x dx के बदले हम लिखेंगे हाफ
और ये हो जाएगा हमारा साइन सेवन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों डी एक्स। ठीक है, अब अलग अलग समाकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन सेवन एक्स डी एक्स माइनस हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। क्लियर है, अब देखिए इसका हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस कॉस सेवन एक्स और बटा सेवन, चूँकि एक साथ सात गुना है, और ये माइनस हाफ, ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस वन बाई फोर्टीन, ये हो गया कॉस सेवन एक्स और माइनस माइनस प्लस हाफ, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको उसका फॉर्मूला बगल में लिख देंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन का हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा प्रश्न था बच्चों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें मेरी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि हमारा देखते हैं कि तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है क्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए और तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको कहता है यहाँ पे कि कॉस का तीन गुणनफल है, कॉस टू एक्स, फिर है आपका कॉस फोर एक्स, और फिर है हमारा कॉस सिक्स एक्स और डी एक्स, इसी का समाकलन निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक फॉर्मूला लगेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के आधार पर है कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर जो होता है ना, ये होता है हाफ, और कॉस ए प्लस बी, और प्लस जो होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको तोड़ लिया जाए, तोड़ क्या लिया जाए, तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉस टू एक्स, और ये लेते हैं कॉस फोर एक्स को एक साथ, और ये कॉस सिक्स एक्स को बाहर करते हैं, और ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको मालूम है कि ए जो होता है बच्चों बी से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस फोर एक्स और प्लस टू एक्स, और प्लस ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स माइनस टू एक्स, और ये हो गया हमारा कॉस सिक्स एक्स। जाहिर सी बात है ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस सिक्स एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस टू एक्स, और ये हो गया हमारा कॉस सिक्स एक्स। अब इसको अंदर गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स, और प्लस ये हो गया कॉस टू एक्स और इंटू कॉस सिक्स एक्स। ठीक है, अब इसी को हमको तोड़ना है, तो एक और फार्मूला आपका होता है बच्चों, आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू होता है। इस फार्मूला का यूज जो है हम यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हाफ, और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस हो जाएगा ट्वेल्व एक्स और बाई हो जाएगा टू, और यहाँ हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस छो दो आठ एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस फोर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सबको अलग अलग कर देंगे, यानी हो जाएगा ये हमारा एक बटा चार, ये हो जाएगा वन प्लस, ये हो गया कॉस ट्वेल्व एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस एट एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस फोर एक्स, और उसके बाद अब हम समाकलन का चिन्ह का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब ना हम समाकलन का चिन्ह का यूज करेंगे, चूँकि यहाँ पर तक तो हमारा फॉर्मूला टूट गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समाकलन लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा इसके जगह पर, इसके जगह पर हो जाएगा हमारा वन बटा फोर, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ट्वेल्व एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एट एक्स और प्लस ये हो गया कॉस फोर एक्स और ये हो जाएगा हमको बच्चों डी एक्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वन बटा फोर और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, और ये प्लस जो हो जाएगा वन बटा फोर और ये हो गया कॉस ट्वेल्व एक्स और प्लस ये हो जाएगा वन बटा फोर
और ये हो जाएगा हमारा कॉस एट एक्स प्लस वन बटा फोर, और ये हमारा हो जाएगा कॉस फोर एक्स, सॉरी डी एक्स लगाना भूल रहे हैं, डी एक्स प्लस हो जाएगा वन बटा फोर, ये कॉस हो गया एट एक्स डी एक्स प्लस वन बटा फोर, और ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम समाकलन इसका निकालेंगे अच्छी तरीका से बच्चों। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हल करेंगे हम। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, अब इसका जो है हमारा इसका तो हो जाएगा वन बटा फोर, इसका हो जाएगा समाकलन एक्स, और ये हो जाएगा वन बटा चार, और ये हो जाएगा साइन बारह एक्स और बटा बारह, और प्लस वन बटा फोर, ये हो जाएगा साइन एट एक्स बटा आठ, और प्लस ये हो जाएगा वन बटा फोर, और ये हो जाएगा साइन फोर एक्स बटा फोर, और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है और आराम आराम से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, जो जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन अब कैसे होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, क्या क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कहता है साइन क्यू टू एक्स प्लस वन, और ये है आपका डी एक्स। इस दो विधि से बना सकते हैं बच्चों, जब बताए थे कि एक साइन पर घात सम हो, है ना, साइन पर घात क्या हो, विषम हो, तो कॉस को सेट करते हैं, है ना, कॉस को क्या किया जाता है, तो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, या तो सबसे पहले क्या कर दो ना, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, दूसरे तरह से भी बना सकते हैं उसको। एक हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन थ्री थीटा बराबर थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा होता है। ठीक है, और इससे आप फॉर्मूला को निकाल सकते हो कि साइन क्यू थीटा बराबर जो होगा हमारा थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा और बटा फोर होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। ठीक है, माने एक पहला मेथड नंबर ये वन हो जाएगा, और इस पर बनाओगे तो ये मेथड नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन क्यू टू एक्स प्लस वन बराबर, यहाँ लिखते हैं थ्री, और साइन ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, और माइनस हो जाएगा हमारा साइन थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, और बट्टा हो जाएगा बटबाऊ फोर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा थ्री, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस वन, और माइनस ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री और बटा फोर। ठीक है, अब हम समाकलन निकाल सकते हैं इसका। यहाँ पे यदि हम समाकलन का चिन्ह लगाएं साइन क्यू टू एक्स प्लस वन और डी एक्स बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम थ्री साइन टू एक्स प्लस वन और माइनस साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री और बटा फोर, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब क्या है, सबका अलग अलग समाकलन कर दो, यहाँ हो जाएगा थ्री बटा फोर, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स और माइनस वन बटा फोर, और ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक है, तो इसका समाकलन जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन और बाई टू, और ये माइनस वन बटा फोर है, ये हो जाएगा माइनस कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री और बटा सिक्स और प्लस सी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ घात तीन होगा तब, जब घात तीन से ज़्यादा होगा ना तो इस मेथड से बनाना होगा, जिसका पहले हम क्लास में इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो फिर पाँचवा नंबर प्रश्न को देखा जाए, बहुत मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, ठीक है, इसको समझिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम पाँचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न को देखा जाए क्या है, कहता है ना साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और डी एक्स, इसी का समाकलन निकालना है दोस्त, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, जब दोनों साइन और कॉस का गुणनफल हो और दोनों पे घात समान हो ना, इसमें एक फार्मूला बहुत काम देता है बच्चों, कौन, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर जो होता है हाफ साइन टू एक्स होता है, इस फार्मूला का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पर घात हम कर सकते हैं तीन, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स पर घात तीन, ये हो जाएगा एक बटा आठ, और साइन क्यू टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक और फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं, उससे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं कि हमारा साइन, अभी जस्ट बताए थे साइन क्यू थीटा बराबर जो होता है थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा और बटा फोर होता है, इसके बाद ये यूज करके बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वन बटा एट साइन क्यू टू एक्स बराबर, वो हो जाएगा वन बाई एट, और ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा साइन टू एक्स और माइनस ये हो जाएगा साइन थ्री इंटू टू एक्स, और ये बट्टा हो जाएगा बच्चों फोर, तो ये हो जाएगा हमारा तीन बटा बत्तीस, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स और माइनस एक बटा बत्तीस, और ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स, ठीक है। अब हम समाकलन कर सकते हैं, ये किसके बराबर है, तो वन बटा साइन क्यू टू एक्स के बराबर, ये किसके बराबर है बच्चों, तो साइन एक्स इन टू कॉस एक्स पर घात तीन है, ठीक है। अब हम समाकलन निकालेंगे साइन एक्स इन टू कॉस एक्स पर घात तीन और डी एक्स, ठीक है, बराबर ये फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा थ्री बाई बत्तीस, ये हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस एक बटा बत्तीस, और ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा तीन बटा बत्तीस, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स और डी एक्स माइनस हो जाएगा एक बटा बत्तीस, और ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा तीन बटा बत्तीस और गुने ये जाएगा माइनस कॉस टू एक्स और बट्टा दो, और ये माइनस एक बटा बत्तीस और गुने हो जाएगा माइनस कॉस सिक्स एक्स बटा छः और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कीजिएगा तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आंसर ना मिले ना तो चिंता घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये दूसरा तरीका से ही बनता है, इसके पहले वाला क्लास में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। वैसे बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब देखा जाए हमारा छठा नंबर प्रश्न, कि हमारा छठा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि जो जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, सब फार्मूला बगल में लिख देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा फार्मूला हम कहाँ यूज किए हैं। अब हमारा क्या है ना, क्वेश्चन नंबर है बच्चों संभवतः छः, क्वेश्चन नंबर छः क्या है सो देख लीजिए आप लोग। कहता है कि साइन एक्स साइन टू एक्स और ये साइन थ्री एक्स और डी एस सी का समाकलन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब दो या दो से दो पद गुणनफल में हो, ठीक है, तीन पद गुणनफल में यहाँ पे है,
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, संभवतः साइन ए इंटू साइन बी बराबर जो होता है ना बच्चों, ये होता है हाफ कॉस ए माइनस बी, और माइनस होता है बच्चों कॉस ए प्लस बी होता है, जहाँ ए जो होता है बी से हमेशा बड़ा होता है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोई दो को एक साथ ले लीजिए, पहले इसी को तोड़ लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स को एक साथ ले लेते हैं, और ये हमारा हो गया साइन थ्री एक्स, और ये बराबर ये हो जाएगा बच्चों हाफ, और लिखेंगे यहाँ पर कॉस, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों साइन थ्री एक्स, ये हो जाएगा हमारा हाफ, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और माइनस कॉस थ्री एक्स, और ये हो गया हमारा साइन थ्री एक्स, अंदर गुना करोगे तो ये हो गया हाफ, और ये हो गया कॉस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, अब माइनस हो जाएगा कॉस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी बराबर जो होता है हाफ, और ये होता है साइन ए प्लस बी, और प्लस साइन होता है बच्चों ए माइनस बी होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को पहले यूज करेंगे, ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस एक्स, प्लस ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो आप अभी जस्ट एक फार्मूला मैंने बताया था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर जो होता है हाफ साइन टू एक्स होता है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस हाफ, और ये साइन हो जाएगा द्वितीय छः एक्स। ठीक है, अब हम समाकलन लगाएंगे बच्चों, चूँकि इसी का ना तोड़ रहे हैं, इसी का समाकलन निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स और इंटू साइन टू एक्स, और ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा हमारा, सबको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा हमारा क्या हाफ, और ये हो जाएगा साइन फोर एक्स, और प्लस हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन टू एक्स, और माइनस हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स, और ये डी एक्स। क्लियर है, अब अलग अलग समाकलन कर दो, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा बच्चों साइन फोर एक्स डी एक्स, प्लस हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन टू एक्स और डी एक्स, और माइनस हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों साइन सिक्स एक्स, और ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका समाकलन जानते हैं कि हाफ और इनटू, ये हो जाएगा माइनस कॉस फोर एक्स बट्टा फोर, ये हो जाएगा प्लस हाफ, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स और बट्टा दो, और यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ और इनटू, ये हो जाएगा माइनस कॉस सिक्स एक्स बट्टा छः और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि फार्मूला हमको याद है कि कहाँ कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, तो ये चैप्टर बनाना आसान है बहुत ही, और ख़ास करके त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन जो है ना बहुत ही आसान है बनाना बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, अब चलिए देखते हैं हम सातवां नंबर प्रश्न क्या है हमारा, इसमें टोटल 24 प्रश्न है। सातवां नंबर प्रश्न को देखा जाए क्या, चलिए सातवां नंबर हमारा प्रश्न है साइन फोर एक्स और इंटू साइन एट एक्स और डी एक्स। अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन ए इंटू साइन बी बराबर जो होता है हाफ, और ये होता है कॉस ए माइनस बी, और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है बच्चों। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा साइन फोर एक्स और इंटू साइन एट एक्स बराबर, ये हो जाएगा हाफ, और ये हो गया कॉस एट एक्स और माइनस फोर एक्स, और माइनस ये हो जाएगा कॉस एट एक्स प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स, ये हो जाएगा हाफ, ये हो गया कॉस हमारा फोर एक्स, और माइनस हो जाएगा हाफ, कॉस हो जाएगा ट्वेल्व एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पर समाकलन जो है ये साइन फोर एक्स और इंटू साइन एट एक्स और डी एक्स है बच्चों, तो बराबर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा हाफ, ये हो गया कॉस फोर एक्स माइनस हाफ कॉस ट्वेल्व एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। सब का अलग अलग समाकलन निकाल दो, हाफ ये हो गया कॉस फोर एक्स डी एक्स माइनस हाफ ये हो जाएगा बच्चों कॉस ट्वेल्व एक्स और डी एक्स। इसका हो जाएगा बच्चों हमारा साइन फोर एक्स और बट्टा फोर, इसका हो जाएगा बच्चों साइन बारह एक्स और बट्टा बारह और प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये प्रश्न जो है। चलिए बच्चों और भी एक प्रश्न देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां देख लेते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां जो है कहता है वन माइनस कॉस एक्स और बटा वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स है बच्चों, इसी का समाकलन निकालना है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इसी फॉर्मूला के यदि यूज किया जाए यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स और बटा वन प्लस कॉस एक्स बराबर टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ये कट गया, ये हो गया बच्चों टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है, अब हम समाकलन निकाल रहे हैं वन माइनस कॉस एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। और बच्चों जब टेन पर घात सम हो उसको सेक में बदल दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन और ये डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और माइनस डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा बच्चों टेन एक्स बाई टू और एक हाफ गुना में है दो बटा एक और माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस सी और यही हमारा फाइनल एंड फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए जो फॉर्मूला का यूज हो रहा है उसे मैं यूज कर लूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अभी और भी प्रश्न है बच्चों, हमारा टोटल 24 प्रश्न है, 24 प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और देखा जाए, नवा नंबर प्रश्न। देखिए नवा नंबर प्रश्न हमारा है क्या, कहता है कॉस एक्स और बटा वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। लग रहा होगा कि अब इसको कैसे बनाए, अरे कुछ नहीं दोस्त, इसको अंश को ना आप हर के अनुसार तोड़ो, एक घट रहा है एक जोड़ो और एक घटाओ और जो मिल रहा हो उसको एक साथ कर दो, माइनस वन बटा वन प्लस कॉस एक्स हो गया, ये तो कट गया ना, ये हो गया वन माइनस, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ये हो जाएगा वन माइनस हाफ और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू। क्लियर है, अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो ना, कॉस एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स बराबर जो हो गया हमारा हो गया बच्चों, चूँकि इसी का ना सॉल्यूशन है, ये हमारा कॉस एक्स और बटा ये हमारा वन प्लस कॉस एक्स था। ठीक है, ये हो जाएगा वन माइनस हाफ और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हो गया डी एक्स, बच्चों हो जाएगा डी एक्स और माइनस हाफ और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हो गया डी एक्स। क्लियर है, इसका एक्स हो जाएगा ये हाफ है, इसका हो जाएगा बच्चों टेन एक्स बाई टू और चूँकि हाफ से गुना है उलट के गुना कर दो दो बटा एक्स है। ठीक है,
और प्लस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दें बच्चों, चूँकि अभी समय की कमी है, और अगले क्लास में बच्चों फर्दर हमारा टोटल जो है 24 प्रश्न है, तो हम 10वां नंबर प्रश्न से 10 से लेकर 24 तक अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।